फाइनल ब्रेक के बाद स्वागत है आपका अपने चैनल सिटी हलचल पर। डालते हैं एक मिनट एक खबर यानी कि फास्ट न्यूज पर। तेजी से जारी है मीटर लगाने का काम। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत मीटर लगाने का काम तेजी से जारी है। हालांकि कुछ गांवों में टीम को विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। प्रदेश सरकार का सपना है कि यूपी का हर शहर हर गांव रोशन रहे, जिसके लिए शहरों को 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घंटे बिजली देने की कवायद जारी है। घर घर तक रोशनी पहुंचाने के लिए PVBNL ने टीमें गठित की हैं। ये टीमें ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर विद्युत मीटर लगा रही हैं। हालांकि टीम को कई जगह विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन PVBNL का साफ कहना है कि जब बिजली भरपूर दी जाएगी तो फिर बिजली बकाया भी किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। दरअसल देखने में आया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली ज्यादा कंज्यूम होती है, लेकिन उसके मुकाबले बिजली का बिल जमा नहीं हो पाता, जिसे देखते हुए अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी मीटर लगाने का काम तेजी से किया जा रहा है। शहीद स्मारक के अच्छे दिन आने वाले हैं। पर्यटन विभाग के निरीक्षण के बाद शहीद स्मारक के सौंदर्यीकरण का काम शुरू हो जाएगा और ये काम गुड़गांव की एक कंपनी करेगी। शहीद स्मारक के दिन बहुत जल्द बहुरने वाले हैं, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने हेरिटेज सर्किट के तहत शहीद स्मारक को संवारने के लिए 4 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए हैं। सौंदर्यीकरण के काम के लिए गुड़गांव की वापकोश लिमिटेड को अधिकृत किया गया है। अब जल्द ही पर्यटन विभाग और कंपनी की संयुक्त टीम शहीद स्मारक का दौरा करेगी, जिसके बाद स्मारक की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR तैयार की जाएगी और सौंदर्यीकरण का काम शुरू हो जाएगा। निरीक्षण करने के लिए आने वाली टीम के गठन के बाद शहरवासी भी काफी खुश हैं, क्योंकि सौंदर्यीकरण के बाद शहीद स्मारक का नजारा ही कुछ अलग होगा। बता दें कि शहीद स्मारक के बाहर अक्सर कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, साथ ही स्मारक के भीतर लाइटों की भी कमी है, जबकि कई लाइटें जलती ही नहीं है। लेकिन अब जल्द ही शहीद स्मारक के आसपास सफाई भी चकाचक होगी और अंधेरे के बजाय रोशनी ही रोशनी नजर आएगी। मौसम बना रहा मरीज। मौसम में हो रहे लगातार उतार चढ़ाव ने लोगों को बीमार करना शुरू कर दिया है। इन दिनों जिला अस्पताल से लेकर निजी अस्पतालों में भी मरीजों की तादाद बढ़ गई है। जून महीने की भीषण गर्मी, उसके बाद बारिश और अब उमस भरी गर्मी। मौसम में लगातार हो रहे ये बदलाव लोगों को मरीज बनाकर अस्पताल के दर्शन करा रहे हैं। बारिश के बाद तो अस्पतालों में फंगस इन्फेक्शन, डायरिया, आई फ्लू के मरीजों की भरमार हो चली है। एक और जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की OPD फुल चल रही है, तो वहीं शहर के निजी अस्पतालों में भी मौसमी बीमारियों के मरीज भारी तादाद में पहुंच रहे हैं। चिकित्सकों की सलाह है कि इन दिनों साफ सफाई और खान पान पर विशेष ध्यान दें। आई फ्लू के मरीजों के सीधे संपर्क में ना आए और एक दूसरे के तौलिए, रुमाल और अन्य वस्तुओं का इस्तेमाल ना करें। डायरिया में ORS और नमक चीनी का घोल लगातार पीते रहें। बदलते मौसम में शरीर के साथ ही आस पड़ोस की स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दें। इन बातों का ध्यान रखकर मौसमी बीमारियों के प्रकोप से बचा जा सकता है। बड़ी कार्रवाई की तैयारी में MDA। मेरठ विकास प्राधिकरण ने शहर में कई अवैध निर्माणों को ढहाया और कई को सील किया। इसी के साथ ही कई और अवैध निर्माण चिन्हित कर लिए गए हैं और उनके खिलाफ भी जल्द सख्त कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर डॉक्टर प्रभात कुमार की सख्ती का असर मेरठ विकास प्राधिकरण पर सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। शहर के जिन अवैध निर्माणों को देखकर भी MDA अनदेखा कर देता था, अब उन अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है और कई अवैध निर्माणों पर सील भी लगाई जा रही है। MDA ने कई ऐसे और बड़े अवैध निर्माणों को चिन्हित कर लिया है और सोमवार या फिर मंगलवार को इन अवैध निर्माणों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा सकती है। MDA VC योगेंद्र यादव इन अवैध निर्माणों को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए हैं। उन्होंने सभी जोन के जोनल और नोडल अधिकारियों को निर्देश दे रखे हैं कि वो अपने यहाँ के अवैध निर्माणों को चिन्हित करें और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। इन अधिकारियों ने बाकायदा लिस्ट बना ली है और एक साथ कई अवैध निर्माण कार्रवाई की जद में होंगे। फोन पर बात करना पड़ेगा महंगा। अगर कोई भी बस चालक ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन पर बात करते हुए पकड़ा गया तो उससे 5,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। रोडवेज बस चालक सड़कों पर बेलगाम बस दौड़ाते हैं और कई बार चालक ड्राइविंग के समय फोन पर बात करते भी नजर आते हैं, जिससे हादसा होने का खतरा बना रहता है। इसी को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद प्रदेश के परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने निर्देश जारी किए हैं कि अगर बस चलाते हुए चालक मोबाइल पर बात करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और चालक को 5,000 तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। बस चालक की शिकायत करने के लिए बाकायदा व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है। इस नंबर पर आप ड्राइवर की फोटो भेज सकते हैं। इतना नहीं, फोटो भेजने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। वहीं RM का कहना है कि सरकार के निर्देश के बाद बस चालकों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और जल्द ही विभाग टीम गठित कर रोडवेज बसों में चेकिंग अभियान भी चलाएगा। सिटी हलचल में खबरों के सफरनामे में बस इतना ही। मेरठ शहर और आसपास की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिटी हलचल और संडे स्पेशल में 2-3 मुद्दों पर तवज्जो चाहिए। पहला मुद्दा तो सबसे पहले अतिक्रमण का है और सड़क पर चल रहे अवैध वाहनों का है।
जिसको एसपी ट्रैफिक बहुत कुशलता के साथ संचालन कर रहे हैं कि सड़क अतिक्रमण मुक्त भी हो जाए और सड़कों पर अवैध वाहन भी ना चले। इसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। जगह जगह पर यह अभियान चल रहे हैं, लेकिन पुलिस से हमारी एक छोटी सी भी अपील है कि वो छोटे छोटे वाहन चालक जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ हुआ है और जो अपनी रोजी रोटी इस जरिए से कमा रहे हैं, उनका उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। वहीं पर पुलिस की जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था चल रही है, उसमें हमें फैंटम पर घूमने वाले सिपाही और 100 डायल वाली गाड़ियों के बारे में रिपोर्टें आ रही हैं कि वो समय से नहीं पहुंच रही हैं। अगर इन दोनों बिंदुओं पर काम कर लिया जाएगा तो क्राइम को कंट्रोल करने में और भी आसानी हो जाएगी। वो अलग बात है कि हर चौपले पर रात में चेकिंग चल रही है और कोशिश की जा रही है कि पूरे शहर में बदमाशों पर शिकंजा दिन पर दिन कड़ा कसता जाए। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसी खबरें भी मिल रही हैं कि अगर किसी का मोबाइल किसी बाइकर गैंग ने लूट लिया है और जब वो शिकायत करने के लिए थाने में पहुंचता है तो थाने का मुंशी ये कहता है कि आप लिखिए कि मेरा मोबाइल खो गया है, क्योंकि बाद में आपको कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। जी हाँ, और जो मोबाइल लूटा जाता है उसे छीनने में दर्ज किया जाता है। ऐसी हमारे पास सबूत के साथ बहुत सारी रिपोर्टें हैं। हमारी एसएसपी साहब से विनम्र निवेदन है कि जिन लोगों का मोबाइल लूटा गया है वो लोअर तबके के हैं, ड्राइवर रेंज के हैं, और वो घर से कनेक्टिविटी के लिए और अपने ग्राहकों के लिए मोबाइल सेवा लेते हैं। ऐसे में मोबाइल उन लोगों के तो मिल जाते हैं जिन मोबाइलों को लूटा गया है, लेकिन इन गरीब लोगों के नहीं मिलते, क्योंकि ना तो फैंटम के सिपाही, ना चौकी के इंचार्ज और ना थाने का मुंशी इन्हें सहयोग करता है। जी हाँ, पुलिस बड़ों की तो मदद करती है, अगर गरीब तबके की भी मदद करेगी तो और विश्वास बनेगा पुलिस और पब्लिक के बीच में। ये छोटी सी अपील उन लोगों ने हमसे करने के लिए कही थी जो मोबाइल बाइकर गैंग के जरिए लूटे गए हैं। जी हाँ, तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात हमको एमडीए से करनी है कि एमडीए की आग के नीचे गंगानगर में, पल्लवपुरम में और कंकरखेड़ा के अलावा शताब्दी नगर में धड़ल्ले से अवैध निर्माण हो रहा है। आप कहीं पे भी घूम जाइए, कई कई पार्कों में तो कब्जा कर लिया गया है और उन पार्कों को कब्जा मुक्त कराना ये काम इस सरकार का है और साथ ही साथ एमडीए का भी है। हर पार्क को कब्जा मुक्त कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आसपास के लोग उन पार्कों के पास रहते हैं उनसे 10% का पार्किंग चार्ज लिया गया है। या तो वो पार्किंग चार्ज लौटाया जाए या पार्क को कब्जा मुक्त कराया जाए, किसी ने भी उस पार्क में कब्जा मुक्त किया है। और दूसरी बात, आवास विकास से आप घूम जाइए, आवास विकास में शास्त्री नगर में तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे कॉलोनी की कल्चर खत्म होकर फ्लैट की कल्चर बनती जा रही है, जबकि वहां पर फ्लैट बनाना गैर कानूनी है। इस तरफ भी तवज्जो ध्यान देने की जरूरत है। और सिटी का रिपोर्ट कार्ड सीजन 2 हमने शुरू कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको दिखाया है और बता रहे हैं कैंट वर्सेस सिटी, दोनों तरफ कमोवेश हालात वही हैं, वही गंदगी के ढेर हैं। ना तो कैंट ही स्मार्ट बन पाया है और अपना मेरठ शहर तो स्मार्ट होने से कोसों दूर है। यह हमने अपने कार्यक्रम में दिखाया। और अंत में आप सब लोगों का धन्यवाद जो लोग हमको फोन कर बताते हैं समस्या और हम वो समस्या अधिकारियों के सामने रखते हैं। लेकिन आज अगर हम विद्युत विभाग को धन्यवाद नहीं कहेंगे तो शायद ये डिस्कशन अधूरा रहेगा, क्योंकि मैंने खुद एक रियलिटी टेस्ट किया और इस रियलिटी टेस्ट में मैंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को सबसे ज्यादा सक्रिय पाया है। जी हाँ, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, एक छोटा सा रियलिटी टेस्ट किया सुबह 9 बजे और आप भरोसा नहीं करेंगे कि AXN BM शर्मा सहित छोटे से बड़ा अधिकारी हर कोई उस समस्या को दूर करने में लग गया। वो मुझको नहीं जानते थे कि मैं सिटी हलचल से रिलेटेड हूं, लेकिन उन्होंने मुझे आम आदमी की तरह ट्रीट किया और 15 मिनट के अंदर उन्होंने मुझे फोन के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए मेरी समस्या को दूर करने का प्रयत्न किया। ये एक छोटा सा रियलिटी टेस्ट था जिसमें विद्युत विभाग को 10 में से 10 नंबर। जी हाँ, 16 तारीख तक आप सभी लोगों को मोहलत दी है अपने विद्युत कनेक्शन को अपडेटेड कराने के लिए, इसलिए
आपसे छोटी सी अपील है कि आप भी अपने विद्युत कनेक्शंस को बिल्कुल अपडेटेड करिए। कोई चोरी नहीं होनी चाहिए, कोई दूसरा काम नहीं होना चाहिए। विद्युत विभाग आपके फोन का इंतजार कर रहा है। और ये पूरी चीज मुझे बताती है कि अगर कैप्टन सही हो तो टीम का हर खिलाड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। और कैप्टन है जी हां एमडी अभिषेक। सबको धन्यवाद, साधुवाद। हम चाहते हैं और डिपार्टमेंट भी ठीक इसी तर्ज पर काम करें और मेरठ के नागरिकों की सभी समस्याओं को दूर करें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।